हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, जिसमें हम लोग स्टडी कर चुके हैं ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट की प्रॉपर्टी एलिमेंट्स को और ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और उनके एलिमेंट को। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप नंबर 17। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इनके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो यहां पर एलिमेंट्स प्रेजेंट है एस सी एल बी आर आई, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसके अलावा भी यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ग्रुप नंबर 17 की, जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर वन प्रॉपर्टी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट यानी कि पीरियड के अंदर एंड टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप के अंदर, तो अगर हम लोग बात करते हैं लेफ्ट टू राइट स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई, आपने ध्यान रखना है हम लोगों ने जब डिस्कशन स्टार्ट किया था 15 से, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप वाइज आगे बढ़ते जाएंगे एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन ये डिक्रीमेंट हो रहा है लेफ्ट टू राइट यानी कि पीरियड में, और जब हम लोग जाएंगे ग्रुप में टॉप टू बॉटम तो वहां पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी। और इसका रीजन पूछा जाएगा हम लोगों से बोर्ड एग्जाम्स में, ऐसा क्यों हो। तो अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो ये होता है ड्यू टू द मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वहां पर न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम रहने की वजह से स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई होती है पीरियड के अंदर। अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप में, तो अगर हम लोग बात करें एस सी एल बी आर और आई, तो बहुत क्लियरली वहां पर मेंशन हो रहा है कि हम लोग जब फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर एटॉमिक साइज में इंक्रीमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर उनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर अगर बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ शेल में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा और इसी के साथ उसका एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम लोग बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो किसी भी एक एटम के आउटर मोस्ट शेल से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करा के वहां से रिमूव करवा देना, उसे हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमारे ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब उनके लिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो भी हाई होगी। और इसका रीजन ड्यू टू द स्मॉलर साइज, क्योंकि स्मॉलर साइज है तो वो इजिली रिएक्शन करने के लिए कैपेबल है और किसी के भी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को इजिली रिमूव कराने के लिए भी कैपेबल है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को शो करते हैं, तो यहां पर मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी कि पीरियड में इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप में, तो ये डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बड़ा होगा वो एलिमेंट न्यूट्रल होता जाएगा टुवर्ड्स रिएक्शंस, तो इसीलिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम हम लोग जाएंगे तो डिक्रीज होगी, और अगर हम लोग बात करेंगे लेफ्ट टू राइट पीरियड में तो वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बात हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है वो है हमारा फ्लोरीन, जो बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 17 को। तो इसका मतलब ग्रुप नंबर 17 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, यानी कि दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस। लेकिन अगेन हम लोग अगर बात करते हैं ग्रुप में, तो क्या वहां पर यही प्रॉपर्टी मेंशन होगी? नहीं, वहां पर जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, अगेन ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एलिमेंट हमारा न्यूट्रल हो जाएगा टुवर्ड्स रिगार्डिंग रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। किसी भी एक बॉन्ड को, डिसोसिएशन मतलब तोड़ना, किसी भी एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी। वो एनर्जी कौन सा एलिमेंट ज्यादा
ज्यादा दे सकता है, कौन सा एलिमेंट कम दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही बॉन्ड्स के फॉर्मेशन होते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्डर की, सबसे ज्यादा बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन, देन आयोडीन। अब यहाँ पर जो ये सीक्वेंस ड्रॉ किया गया है, इस सीक्वेंस के अंदर एक चीज बहुत ही वियर्ड लगेगी, यहाँ पर फ्लोरीन को ना तो सबसे पहले लिखा गया है ना ही सबसे लास्ट में, और सबसे पहले लिखा गया है क्लोरीन को, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन आप समझ लीजिए, यहाँ फ्लोरीन को क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है लोन पेयर का वो इतना ज्यादा होता है कि वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। और साथ ही अगर हम लोग बोले क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन का साइज बहुत रेलिवेंट होता है रिएक्शंस करने के लिए, साथ ही इसके पास जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं वहां पर एक्सटेंडेड ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनकी वजह से ये बहुत इजीली रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाता है। इसीलिए इस ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा क्लोरीन, क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द कंपाउंड क्लोरीन के ही देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेगा ब्रोमीन, फ्लोरीन के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यहाँ पर रिपल्शन होता है लोन पेयर के अंदर, और आयोडीन यहाँ सबसे कम रिएक्शन इसलिए कर रहा है क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। अगर हम लोग बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पर अगेन ऑर्डर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि फ्लोरीन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है, तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को ज्यादा रेलेवेंट करेगा एज कम्पेयर टू एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि HCl एक हाईली स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है रेदर देन द HF। तो यहाँ ध्यान रखना है, अगेन क्लोरीन का साइज बहुत छोटा है और क्लोरीन के पास एक्सटेंडेड ऑर्बिटल्स होते हैं रिएक्शन करवाने के लिए, इसीलिए ये ऑर्डर रहेगा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का। सबसे लास्ट जो बात करते हैं स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी अगेन HF, देन HCl, देन HBr, देन HI। यहाँ पर रीजन ये है कि F जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, और जब बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको तोड़ने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगेगी और वो स्टेबिलिटी को क्रिएट कर देगा। सबसे लास्ट में बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट HF, अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड है, उससे नेक्स्ट HI, HBr एंड HCl, यानी कि HCl को तोड़ने के लिए हमें सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप नंबर 17 की, जो कि हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर काम करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग ग्रुप नंबर 17 को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।